हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी लाइन चैप्टर नंबर 1 भाषा यानी कि लैंग्वेज। अब इसमें दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। सौरभ, रमन तुम छुट्टियों में क्या कर रही हो? रमन, मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? सौरभ, मैं अपने माता पिता के साथ शिमला घूमने जाऊँगा। रमन, तुम वहाँ खूब मज़े करना और छुट्टियों के बाद बताना शिमला में कैसा लगा। सौरभ कहता है, तुम भी बताना। अच्छा, मिलते हैं। यहाँ दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के विचारों को सुन और समझ रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के विचार को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो यही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा के बिना हम एक दूसरे की बात को नहीं समझ सकते, समझ नहीं सकते। भाषा के बिना हम एक दूसरे की बात को नहीं समझ सकते। अब भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट दूसरे पर प्रकट करता है। भाषा क्या वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरे पर प्रकट करता है, ठीक है। अब भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। एक नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित, ठीक है। मौखिक और लिखित दो रूप होते हैं। रोहन ने एक कविता लिखी, उसने कविता सबको पढ़कर सुनाई, घर में सब उसकी कविता सुनकर प्रसन्न हुए, ठीक है। इसी प्रकार बोलकर कुछ कहना और सुनकर समझना मौखिक भाषा कहलाती है। मतलब रोहन ने कविता पढ़कर सुनाई, वो सुन रहे हैं और दूसरे घर वालों ने क्या करा, उसकी कविता को सुना। तो रोहन क्या करे, बोल के सुनाई और उन्होंने सुनकर उसको उस कविता को समझा। तो ये क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। गरिमा पत्र लिख रही है और उसकी बहन उसे पढ़कर समझ रही है, यह भाषा का लिखित रूप है। लिखना भी क्या है, भाषा का लिखित पढ़ना और उसे पढ़कर समझना भी लिखित रूप है। लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और लिखी हुई बात को पढ़कर समझना क्या कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है, ठीक है। लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और लिखी हुई बात को समझना क्या, पढ़कर समझना क्या कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। अतः हम बोलकर और लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, बोलकर और लिखकर हम अपनी मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। पशु पक्षियों की बोलियाँ, आप सोच रहे होंगे कि पशु पक्षी तो भाषा बोलते ही नहीं है, फिर वे एक दूसरे की बात कैसे समझेंगे, समझते होंगे। पशु पक्षी तो बोली बोलते हैं, वह उनकी भाषा है, जो भी वो बोलते हैं वो उनकी भाषा होती है। जैसे बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं, बिल्ली क्या करती है म्याऊं म्याऊं, ये उसकी भाषा है। मेंढक टर टर, ये मेंढक की भाषा है। बकरी क्या करती है मैं मैं, कुत्ता भौं भौं, तो ये क्या है इनकी भाषा है। बंदर क्या करता है खौं खौं, तो ये बंदर, ये सब क्या है इन जानवरों की भाषा होती है। चिड़िया क्या करती है ची ची, कबूतर गुटर गू करता है ना, गुटर गू, शेर धारणा। कौवा क्या करता है काव काव करता है, घोड़ा क्या करता है हिन हिन। तो ये जो भी करते हैं, जो भी आवाज़ें निकालते हैं, ये सब क्या होती है, इन लोगों की अपनी भाषा होती है। अब एक बार फिर देखो भाषा किसे कहते हैं, बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाना, ठीक है। बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, ठीक है। बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना ही भाषा है, ठीक है। नंबर 2, पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है, ठीक है। पशु पक्षियों की भी क्या होती है, अपनी बोली होती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।